सूर्य के पर्वत के साथ साथ हमें राहु भी देखना होता है। राहु का कंडीशन, ये वाला कंडीशन भी कैसा है, तभी हम अचानक से होने वाली घटनाओं को समझ पाएंगे। सिर्फ अकेला सूर्य नहीं देखते, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद लिखते हैं, अधिक विकसित हो तो जातक धूर्त स्वार्थी असामाजिक कृत अथवा जुए आदि के क्षेत्र से भी संबंध हो सकता है। हृदय आंख तथा रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। हड्डियों से संबंधित भी कहते हैं, स्पेशली हड्डियां, वो जो जो मेन हड्डियां होती हैं, शनि जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो मेन बोन होता है, जैसे ये हाथ है, हाथ की जो ये हड्डी है ये सूर्य है, लेकिन जो ये जॉइंट है ये दोनों शनि है, ठीक है। जिसको जॉइंट पेन होता है उसको कहा जाता है शनि के खराब होने की वजह से। दांत खराब होना, शनि खराब होता है तब दांत खराब हो जाते हैं, कैविटी वगैरह लगते हैं उसमें, ठीक है। टूथ डिके जिसको कहते हैं। और एक होता है बोन डेंसिटी, हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी कमी होना यानी सूर्य का खराब होना, ठीक है। ये दोनों ही चीजों से हम किसी के भी उसमें चेक कर सकते हैं, अगर सूर्य खराब है तो उस व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होंगी, अगर शनि खराब है तो उस व्यक्ति का जॉइंट कमजोर होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, यदि सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर विस्थापित हो तो जातक कला से लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक स्वभाव भी नम्र होता है। विस्थापित होने का अर्थ है सरक जाना, सरकना, या थोड़ा सा ज्यादा इस साइड डेवलप हो रखा हो। जैसे इसी हाथ में देखिए, इस हाथ में ना ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है, और एग्जैक्टली जो उंगली के नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा दबा हुआ है, ठीक है। विस्थापित हो जाने का अर्थ होता है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा बुध की ओर। तो ऐसा व्यक्ति नॉट ओनली कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र के अलावा ऐसे लोग अच्छे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट संभालना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टेज में खड़े होकर परफॉर्म करना, कई बार सेमिनार, मोटिवेशनल स्पीकर जो सेमिनार्स में आके मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, प्रेजेंटर, सॉरी प्रेजेंटर, एक्टिंग करने वाले लोग या स्टेज में परफॉर्म करने वाले लोगों को कहा जाता है। ऐसे लोगों के अंदर स्वभाव जो है वो विनम्र होता है, अच्छी बातें करते हैं, ये कभी भी गाली गलौज करते हुए नहीं मिलेंगे, बहुत शिष्टाचार से रहने वाले लोग होते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि सूर्य पर्वत हृदय रेखा की ओर विस्थापित हो तो जातक परोपकारी होगा और जातक पद और प्रतिष्ठा का स्वामी होगा, यानी थोड़ा सा नीचे की ओर सरका हुआ मिले, नीचे इन द सेंस कि ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा डेवलप हो इन कंपैरिजन टू ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा डेवलप रहे, तो ऐसे व्यक्ति परोपकारी होता है, पद प्रतिष्ठा यानी अच्छे पोस्ट में रहता है। प्लस ऐसे लोगों का कनेक्शन राजनीति से भी बनता है, राजनीतिज्ञ, अच्छे राजनीतिक जो होते हैं, देखो बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं राजनीति में। एक बहुत बदमाश होते हैं जो सिर्फ अपना ही समझते हैं, अपना ही खाते हैं, अपने ही निगल के बैठ जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। कुछ नेता अच्छे होते हैं जो जनता के लिए भी करते हैं, सबके लिए भी करते हैं, उसमें से जो बचता है वो फिर खुद लेते हैं, ठीक है। तो नीचे की ओर रहे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इवन गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिलता है उत्कृष्ट कार्य के लिए, जो समाज सेवा में हो वैसे कामों के लिए, ऐसे लोगों को नेशनल अवार्ड तक मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल। वो सूर्य की रेखा भी बताती है सूर्य। तीसरा पॉइंट, सूर्य पर्वत यदि मध्यमा उंगली की ओर विस्थापित हो तो जातक स्वार्थी और भौतिकवादी होता है। मध्यमा की ओर विस्थापित का मतलब ये वाला एरिया, इस ओर थोड़ा ज्यादा सरका हुआ रहे, ठीक है, बीचों बीच। तो स्वार्थी तो होता है 100%, भौतिकवादी मतलब जो व्यक्ति, उसको हमेशा पैसा, घर, जमीन, सोना चांदी, मतलब कि जितनी भी भौतिक
चीजें हैं जो लोभ का कारण बनती है, ठीक है। लोभ, लालचीपन, ऐसे लोगों के अंदर लालचीपन बहुत ज्यादा होता है कि मेरा 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 हो, सिर्फ वो मेरे बारे में, अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी और के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। मतलब सिर्फ मेरा हो जाए, अपना अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता।